स्वागत है दोस्तों आपका देश विदेश की ताजा खबरों के इस वीडियो में। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए भारत जैसे पार्टनर के साथ काम करना जरूरी, अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों लोन मॉरेटोरियम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, वित्त मंत्रालय ने जारी कर दी है गाइडलाइंस, इन लोगों को मिलेगा फायदा। साथ ही दोस्तों टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर आ रही है। जी हां, दरअसल आईटीआर भरने की तारीख फिर से बढ़ाई गई, जानिए नई डेडलाइन के बारे में। वही साथ ही दोस्तों सावधान, अब पानी की बर्बादी करने पर हो सकती है 5 साल की सजा और लग सकता है 1,00,000 रुपए का जुर्माना, जानिए सरकार का नया नियम। तो इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों आसान हुआ विदेश में मनी ट्रांसफर करने का काम, अब कई देशों में पेमेंट सिस्टम से जुड़ेंगे भीम और UPI। वहीं दोस्तों जानेंगे सीरम इंस्टीट्यूट का चौंकाने वाला दावा, अगले 20 साल तक रहेगा कोरोना का संक्रमण। तो इस खबर के बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आंतरिक विद्रोह छिपाने के लिए भारत के खिलाफ हमले की फिराक में पाकिस्तान, आतंकी घुसपैठ के लिए तुर्की से ले रहा है तकनीकी मदद। तो इस खबर के बारे में आपको थोड़ी देर में भी बताया जाएगा। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे, इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, देश में कोविड-19 से राहत, लगातार दूसरे दिन 7,00,000 से कम हुए कोरोना के सक्रिय मामले, जानिए आज का ताजा हाल। जी दोस्तों देश में कोरोना से राहत मिलते दिख रही है। दरअसल संक्रमण से सक्रिय मामलों की संख्या लगातार दूसरे दिन 7,00,000 से कम पर आ गई है। आज की बात करें तो 53,370 नए कोविड संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं भारत में कुल कोरोना के मामले 78,14,000 से पार हो गए हैं। वहीं 650 नई मौतों के साथ संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,17,956 हो गई है। बता दें कि पिछले 24 घंटों में 14,829 की कमी के बाद कुल सक्रिय मामले 6,80,000 पर आ गए हैं। वहीं बता दें कि पिछले 24 घंटों में 67,549 नए डिस्चार्ज के साथ कुल 70,16,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। साथ ही भारत में कोरोना के दैनिक आंकड़ों में कमी के साथ थोड़ी राहत की सांस ले रहा है। इसके अलावा कोरोना से जल्द और अधिक रिकवरी की खबरें भी सुकून दे रही है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए भारत जैसे पार्टनर के साथ काम करना जरूरी, अमेरिका। जी दोस्तों हिमालय से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक, हिंद प्रशांत सागर तक चीन के बढ़ते आक्रामक व्यवहार को देखते हुए ट्रंप प्रशासन का कहना है कि पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम भारत जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर काम करें। ट्रंप प्रशासन के अधिकारी ने कहा कि क्वाड देश भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ शिखर सम्मेलन के बारे में फिलहाल कोई योजना नहीं है, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है। अमेरिका का यह बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आने वाले हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, लोन मॉरेटोरियम को लेकर बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, इन लोगों को मिलेगा फायदा। जी दोस्तों लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को लोन EMI भरने की दी गई राहत के बाद बैंकों ने ब्याज पर ब्याज लगाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सरकार ने ब्याज पर लगने वाले ब्याज की 2 करोड़ रुपए तक की राशि पर लोगों को राहत दी है। अब इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। RBI की मॉरेटोरियम पीरियड में ब्याज पर छूट देने के मामले को लेकर लोगों को राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर 6 महीने के लिए दी गई मोहलत के दौरान चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के बराबर राशि का भुगतान केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बताया कि जिन्होंने होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ऑटो लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन लिया हुआ है उन्हें इसका फायदा मिलेगा। वहीं बैंक चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो राशि है उसे ग्राहकों के लोन अकाउंट में डालेगी, फिर सरकार बैंक को उस राशि पर क्लेम करने के बाद भुगतान करेगी। इस फैसले से केंद्र सरकार पर करीब 6,500 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। इसके साथ ही जिन्होंने लोन मॉरेटोरियम का फायदा नहीं लिया उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही दिशा निर्देशों के अनुसार इस योजना का लाभ 1 मार्च से 31 मार्च 2020 की अवधि तक लोन के ब्याज पर ब्याज किया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर, ITR भरने की तारीख फिर से बढ़ाई गई, जानिए नई डेडलाइन। जी दोस्तों टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए आयकर विभाग ने एक बार फिर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने बताया कि अब आम नागरिक वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक दायर कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि जिन करदाताओं के खातों को ऑडिट करने की जरूरत है उनके लिए आईटीआर भरने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सावधान, अब पानी की बर्बादी करने पर हो सकती है 5 साल की सजा और लग सकता है 1 लाख रुपए का जुर्माना, जानिए सरकार का नया नियम। जी दोस्तों, पानी की बर्बादी करने वालों को अब सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था यदि भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी की बर्बादी या बेवजह इस्तेमाल करती है तो ये एक दंडात्मक अपराध माना जाएगा। इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं था। घरों की टंकियों के अलावा कई बार टैंकों की जगह पानी पहुंचाने वाले नागरिक संस्थाएं भी पानी की बर्बादी करती है। CGWA के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माने और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। देश में कोई भी व्यक्ति भूजल स्रोत से हासिल पानी पीने योग्य पानी को बेवजह इस्तेमाल या बर्बाद नहीं कर सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, दशहरा दिवाली से पहले सस्ता हुआ सोना, साथ ही आज फिर गिरे चांदी के दाम। जी दोस्तों, आप भी दशहरा दिवाली से पहले सोना खरीदने का सोच रहे हैं या वेडिंग सीजन से पहले सोने की खरीदारी करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सोने की कीमत में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। सोना एक बार फिर से सस्ता हो गया है, वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को सोने की कीमत में गिरावट आई, सोना 309 रुपए तक नीचे गिर गया, वहीं चांदी की कीमत में 699 रुपए की गिरावट आई है। बता दें कि 23 अक्टूबर को सोने की कीमत में फिर से गिरावट दर्ज की गई। सोना गिरकर 51,041 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रवार को सोना एक बार फिर से गिर गया, 24 कैरेट गोल्ड में 309 रुपए की गिरावट आई, तो वहीं चांदी का भाव गिरकर 62,080 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। देश भर में सराफा बाजारों में आज सोना चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली और दोनों धातु सस्ते हो गए। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सीरम इंस्टीट्यूट का चौंकाने वाला दावा, अगले 20 साल तक होता रहेगा कोरोना का संक्रमण। जी दोस्तों, कोरोना वायरस से दुनिया बुरी तरह से जूझ रही है और विश्व इसकी वैक्सीन बनाने की दौड़ में लगा हुआ है। वेबसाइट businesstoday.in की खबर के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदर पुनेवाला का कहना है कि दुनिया में अगले 20 साल तक कोरोना का संक्रमण होता रहेगा और तब तक COVID-19 के टीके की जरूरत रहेगी। वेबसाइट से बातचीत करते हुए पुनावाला ने कहा कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि किसी टीके की जरूरत एक बार में खत्म हो गई हो। उन्होंने कहा कि फ्लू, निमोनिया, चेचक और पोलियो का टीका कितने साल से चल रहा है, इनमें से कोई भी बंद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि जनसंख्या के 100% का टीकाकरण कर दिया जाए तो भी COVID-19 टीके की जरूरत खत्म नहीं होगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आंतरिक विद्रोह छिपाने को भारत के खिलाफ हमले की फिराक में पाकिस्तान, आतंकी घुसपैठ के लिए तुर्की से ले रहा है तकनीकी मदद। जी दोस्तों, आंतरिक विद्रोह और विरोध से जूझ रही पाकिस्तान की इमरान सरकार और पाक सेना ध्यान बंटाने के लिए कश्मीर में बड़े हमले की साजिश रच रही है। खुफिया सूचनाओं के आधार पर सीमा पर घुसपैठ और घाटी में आतंकी वारदात रोकने के लिए सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान तुर्की से खास रडार सिस्टम लेने की तैयारी कर रहा है। ये रडार न केवल आतंकियों की घुसपैठ में मदद करेगा बल्कि पाकिस्तानी सेना की सर्जिकल स्ट्राइक जैसी किसी भी स्थिति से बचाने में भी मदद कर सकती है। वहीं पाकिस्तान चीन से भी बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है, आतंकियों को भी चीनी हथियार दिए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 16 राज्यों को मिली GST क्षतिपूर्ति की पहली किस्त, केंद्र ने जारी किए 6,000 करोड़ रुपए। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, असम, दिल्ली और जम्मू कश्मीर समेत 16 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों को GST क्षतिपूर्ति की पहली किस्त के रूप में कर्ज लेकर 6,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। दरअसल पिछले सप्ताह केंद्र ने GST क्षतिपूर्ति को लेकर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की मांग को स्वीकार कर लिया था। उनकी मांग थी कि केंद्र स्वयं कर्ज लेकर राज्यों को GST की क्षतिपूर्ति करे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आसान हुआ विदेश में मनी ट्रांसफर करने का काम, अब कई देशों के पेमेंट सिस्टम से जुड़ेंगे भीम और UPI। जी दोस्तों, रिजर्व बैंक की तरफ से सीमा पार पेमेंट सिस्टम को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दिए जाने के बाद देश के बाहर पैसे भेजने और खर्च करने की नई तकनीक पर काम शुरू हो गया है। हिंदुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक जल्दी ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जाएगा जिससे सिंगापुर और दुबई समेत तमाम देशों में चुटकियों में लेन देन हो जाया करेगा। पेमेंट सिस्टम से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिंदुस्तान को बताया कि कई देशों के
पेमेंट सिस्टम को भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से जोड़ने की तैयारी चल रही है और 2022 तक ये काम करने लगेगा। इसके जरिए दूसरे देशों में किए जाने वाले पेमेंट पर लगने वाला चार्ज भी घटने की उम्मीद है। शुरुआत में इस सिस्टम को उन्हीं देशों में लागू किया जाएगा जहां भारतीयों का टूरिज्म और पढ़ाई लिखाई के लिहाज से आना जाना ज्यादा होता है। इसके लिए दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा के साथ सेवाएं पहले फेज में शुरू की जा सकती है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।